ज्योति जी, आपके पति की स्टेटमेंट 164 के तहत हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि आपको भी खतरा जो है वो बताया जा रहा है। हाँ जी, आपको जो जानकारी मिली है वो सही है जी। मेरे पति ने 164 की स्टेटमेंट की है जी। वो बिल्कुल सच बताया है उन्होंने जी। और जो खतरे की बात है हमारे मेरे हस्बैंड की, मेरे परिवार की, मेरी बेटी मेरी, वो बिल्कुल सही है। बागपत में जब बाबा डेरा प्रमुख जब पैरोल पे आए हुए थे, उन्होंने मुझे साफ शब्दों में मिलके ये मेरे से मिले, मुझे अकेले को बुलाया था, बुलाया तो मेरे हस्बैंड को और मेरे को भी था, हम दोनों थे, मिलने के लिए अंदर सिर्फ मेरे को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि तू, तेरे को पता भी नहीं चलेगा तेरा पति कहाँ का कहाँ गया। ये कब कब कौन से साल की बात है, कब कहा था? ये है 2000, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता दूंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट और टाइम भी बता दूंगी जी। और उस टाइम बाबा पैरोल पर आए हुए थे जी। जी, इस बात को लगभग 1.5 साल तो आराम से हो चुका है जी। हाँ जी। और कहाँ पे था, कहाँ पे मिलने गए थे? बागपत डेरे में बुलाया था, बागपत जहाँ पर बाबा पैरोल पे आते हैं यूपी में जी, वहाँ तो क्या कहा था, क्या कहा था? राम रहीम ने कहा था, क्या कहा था? बिल्कुल, वहाँ पर हनीप्रीत और राम रहीम दोनों बैठे थे। बाबा ने कहा कि तेरे को, तुम सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम सच्चाई बोलने, क्योंकि हमने उससे पहले हमारा जो घर है वहाँ पर जी, हमने MSG कॉम्प्लेक्स में बनाई हुई है जी, उसको सेल के लिए निकाल दिया जी तो क्या हुआ, वहाँ पर किसी की भी कोई रजिस्ट्री वगैरह को कुछ भी नहीं होता, कोई मीटर नाम नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, कोई कच्ची स्लिप भी नहीं होती। तो उस वक्त तो उनके थ्रू ही, इन लोगों के डेरे वाले मैनेजमेंट के थ्रू ही वो सेल हो सकती होती है। तो जब कस्टमर देखने आए तो उसके बाद उन्होंने डेरे के एडम ब्लॉक से कॉन्टेक्ट किया जी। तो इन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, इसीलिए तो सेल करना चाह रहे हैं, इन्होंने उनको ये आइडिया लगा जी। तो बाबा ने वहाँ पे, जब बाबा करोल पे आए, बाबा ने बुलाया हमें हर रोज, पहले तो ये कहते रहते आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे। उसके बाद जिस दिन बुलाया उस दिन मेरे को तीन चार गाड़ियाँ चेंज करके रास्ते में वो मेरे को लेके गए डेरे में अंदर, बिल्कुल मेरे कपड़े भी सारे चेंज करवा के लेके गए वो लोग। और उस गाड़ी में गुरलीन, जिसका नाम राकेश है, राकेश कुमार, जिसका नाम बाबा ने गुरलीन रखा हुआ, वो बैठा था और साथ में एडवोकेट भी बैठा था एक, जो कि बाबा का ही एडवोकेट है, उन्हीं का फॉलोअर भी है और एडवोकेट है वो बैठे हुए थे। और वो मुझे लेके गए और जब मैं अंदर गई तो वहाँ पापा गुरजीत और हनीप्रीत ये लोग बैठे हुए थे। इन्होंने फिर जब बात होते हुए इन्होंने मुझे कहा कि तुम सच्चाई सामने लाना चाहते हो, ज्यादा बनी हिम्मत सच्चाई सामने लाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि प्रदीप कहाँ का कहाँ गया। फिर जब मैं रोने लगी, मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल ऐसे दिलखने लगी कि भी मेरे को विधवा मत कीजिए, क्योंकि मेरी सासी पापा गुरमीत राम रहीम ने खुद की थी, मेरी और मेरे हस्बैंड जो प्रदीप हैं उन दोनों का रिश्ता हमारी शादी खुद की थी उन्होंने। मैंने कहा आपने ये शादी की है तो भी विधवा तो ना बनाइए मुझे, इस तरह करके रोने लगी। हनीप्रीत ने उस वक्त भी कहा कि ज्यादा मत बन जाती, उसने बिल्कुल ये कहा ज्यादा मत बन ज्योति, नहीं तो तुम्हारा पूरे परिवार का पता भी नहीं चलेगा, जैसे छत्रपति और रंजीत का हाल हुआ ना वही हाल तुम्हारा होगा। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई, कोशिश की कि बस हम बड़े प्रेशर में जीते रहे बस वक्त इसका चला गया। आगे की बात सारी बातें मैं आपको जरूर बताऊंगी, एक भी % झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बताऊंगी। प्रदीप क्लेयर को पंजाब पुलिस भी ढूंढ रही थी तो वो अयोध्या में मिले थे शायद।
नहीं, उनको गुड़गांव से अरेस्ट, गुड़गांव से अरेस्ट किया गया। तो गुड़गांव में कैसे थे और क्यों जो है वो छिप रहे थे? गुड़गांव में वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ रहते थे। अयोध्या में हमने भंडारा लगाया हुआ था जी, भंडारा लगाया था, तो वहाँ पे वो अयोध्या में इस काम से गए थे, राम जन्मभूमि पे, राम मंदिर के वहाँ पे, तो वहाँ हमने भंडारा लगाया था। तो इतने साल वो सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उन्होंने बातें जो है वो रखी? अगर आप बिल्कुल सच जानना चाहते हैं जी, मैं आपके बिल्कुल सामने बैठ के जी टीवी पे आकर जी सबके सामने सब कुछ बताऊंगी जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी, हर चीज बताऊंगी। और इस चीज के लिए मैं ये भी आपको बिल्कुल, ये नहीं है कि कोई डर है, बस ठीक है, अब तो अगर जियेंगे तो सच बोल के जियेंगे, वरना कोई बात नहीं। इन लोगों ने धमकी दे रखी, अगर ये कुछ कर चाहते हैं कर सकते हैं, कर ले, हम कोई बात नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे ना, मर ही जाएंगे ना, बस यही होगा ना हमसे, लेकिन हम बोलेंगे सच। प्रदीप प्लेयर से आपकी बात हुई, जो उन्होंने बयान दर्ज करवाने से पहले जो उन्होंने कहा कि पूरा मामला बताया कि कैसे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, किस तरह से हनीप्रीत का क्या कहना था, वहाँ कौन कौन लोग बैठे थे, क्या बात आपकी प्रदीप लेर से हुई थी? मैंने तो स्टेटमेंट तब पढ़ी है जब सिक्योरिटी की पटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, हमने सिक्योरिटी की पटीशन फाइल करनी थी तो साथ में वो स्टेटमेंट लगानी थी जी, तब मैंने वो सारी स्टेटमेंट पढ़ ली है। लेकिन स्टेटमेंट को लेकर कभी बात नहीं हुई कि वहाँ उस समय कैसे बेअदबी हुई, किसके कहने पे हुई? आपको उस पूरी स्टेटमेंट में सारा कुछ मिल जाएगा जी, क्योंकि जितना मेरे पति का उसमें रोल है, जितना जितना वो जानते हैं इसके बारे में उन्होंने साफ बता रखा है। क्योंकि उस स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र हुआ कि कुछ लोग बैठे थे राम रहीम के पास, हनीप्रीत वहाँ थी, और लोकट को लेकर बात हो रही थी कि लोकट जो है वो उतारेंगे जिसमें राम रहीम की तस्वीर थी, उसके बाद गुस्से में आए राम रहीम, उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए, फिर हनीप्रीत ने बोला, वो क्या बात थी और कैसे थी? मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पॉलिटिकल विंग के हेड थे बाबा गुरमीत राम रहीम जो है, बाबा गुरमीत डेरा प्रमुख, उन्होंने खुद उन्हें पॉलिटिकल विंग के ऑल इंडिया का इंचार्ज बनाया था। उनकी ड्यूटी सिर्फ मतलब मिनिस्टर से मिलना और डेरे के जो इनके कोई काम होते, कोई जैसे कि ये होता है कि किसी चीज की परमिशन दिलवाना या इस तरह के काम होते, उनसे उनका कनेक्शन था जी। तो वो उसके बारे में उनको उन्होंने दिल्ली जाना था और उसके बारे में मिलने के लिए उनको अंदर गुफा में बुलाया गया था जी। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पहले ही ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है, तो वहाँ मेरे हस्बैंड पीछे खड़े हो गए जी, क्योंकि उनसे बाबा अकेले में ही मिलते थे जी, वो बताते थे भाई किससे मिलना है किससे जाना, तो वो पूछ के ही जाते थे और बाबा ही खुद बताते थे किससे मिलना है किसको, भाई हमारी तरफ से क्या बात कहो, क्या रिक्वेस्ट करो या जो भी जी। तो उसने मेरे हस्बैंड पीछे खड़े थे तो उन्होंने तब ये सारी बात सुनी थी। उसके बाद बाबा ने बल्कि जब उनकी मीटिंग हो गई तो बाबा ने आवाज लगा के मेरे हस्बैंड को पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारा क्या काम है बताओ जी। ये नहीं कि तुम यहाँ क्यों खड़े, ये नहीं, ये कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है बेटा बताओ। तो मेरे हस्बैंड पास जाके बिल्कुल उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे मैंने दिल्ली जाना है, तो बाबा ने बता दिया कि किससे मिलना है, किसको क्या रिक्वेस्ट करनी है, क्या बात करनी है, ठीक है। उन्होंने कुछ नाम बताए बाबा ने और मेरे हस्बैंड वहाँ सिरसा से गुफा से फिर बाहर आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड गुफा के अंदर बातचीत सुनी जो उन्होंने अपने बयानों में दर्ज करवाई, वो क्या बातचीत थी? आपको स्टेटमेंट में सारा उसमें है, वही बातचीत हुई है, वही बातचीत हुई है सर, आप कह रहे जी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो सुना वो वही थी। उसके बाद उनको तो हमें तो तब पता चला कि इन्होंने जब ये इंसिडेंट हो गए ना, जब ये बेअदबियां कर दी गई, उसके बाद जब ये खबरों में आया तब हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड कहते ये तो मैंने तब सुना था, ये तो सच में उन्होंने कर दिया जी। आप बता सकते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या स्टेटमेंट थी, एक बार अपनी जुबानी की क्या स्टेटमेंट है और उस समय क्या बात हुई थी, क्योंकि आपकी जुबानी सुनना ज्यादा जरूरी है।
स्टेटमेंट में आप कर लीजिए, मेरे हस्बैंड ने ए टू जेड एक एक स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप बता दें आपकी जबानी बता दें तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं बता दूंगी जी, आपको जरूर बता दूंगी जी, आपको जो पूछना है और भी जो कुछ पूछना है मैं वो भी बता दूंगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आप बता सकते हैं तो सुना सकते हैं तो बता सकते हैं तो। हाँ जी, उन्होंने उसमें मेरे हस्बैंड ने साफ बताया हुआ है कि जो लोग बैठे थे, जिन लोगों के साथ जो डिस्कशन हो रही थी, जो उनका जिस तरह से जो जिसका रिएक्शन था, वो सब उसमें मेरे हस्बैंड ने बताया हुआ है और वो सब कुछ 100% सच है। ठीक है, तो आपसे आमने सामने भी इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इस चैलेंज के लिए भी तैयार हूँ कि अगर डेरा की पूरे के पूरे डेरा की मैनेजमेंट भी और खुद बाबा भी, खुद हनीप्रीत भी सामने आके बैठते हैं तो मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। मैं कुछ सच सच सब भी बोलूंगी और मैं इस चीज के लिए चैलेंज कर रही हूँ, वो आए सामने और मैं उनसे उनके फेस पे सारी बात सच सच बताऊंगी।